नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू एक्साइटिंग टेक्निकल एपिसोड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी पे प्ले स्टोर को कैसे इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे प्ले स्टोर की जो जो एप्लीकेशन होते हैं, जो जो गेम होते हैं, उसको इजीली रन भी कर सकते हैं। मीन्स अपने पीसी पे उसको रन कर सकते हैं, जैसे अपनी किसी भी फ़ोन या फिर टैबलेट पे आप उसको रन करते हैं, वैसा ही आप इस पे अपने पीसी पे भी इजीली रन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को कैसे अपनी पीसी पे रन करते हैं इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने उसमें बहुत सारी सपोर्ट दिखाया है और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थे उसमें से बहुत ये क्वेरीज बार बार आ रहे थे कि भाई जो है मुझे प्ले स्टोर को जो है हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में क्या था, मेनली बेसिकली हमने दिखाया था कि उसका जो APK फाइल है उसको गूगल में डाउनलोड करके किसी गूगल क्रोम एक्सटेंशन की मदद से हम जो उसको रन करते हैं। तो बार जो है APK फाइल को फाइंड करना ये बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर को ही अपनी पीसी पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं तो उस पे मदद से बहुत ही इजी हो जाएगा इस सब गेम और एप्लीकेशन को जो है फाइंड करना और इसके इजीली आप भी रन भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि हम प्ले स्टोर को अपनी पीसी पे इजीली तरीके से जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्ले स्टोर को अपने पीसी पे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, आपको सिंपल से उसको क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यस, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, 200 MB का एक सॉफ्टवेयर है और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट का नाम है filers.com, यहाँ पर जाके आपको इस सॉफ्टवेयर को फाइंड करना है तो आप उसको भी मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करके आप इजीली इसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है स्मार्ट गागा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर सकते हैं, ये 202 MB का सॉफ्टवेयर है, आपको सिंपल सा फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है, इजीली जो है इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड सेक्शन पे जाता हूँ और डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं सो फोल्डर में जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे ये आता है। तो ये रहा यहाँ पर, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको यस करना है और तो ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ जाएगा। तो आपको जो करना है सिंपल सा नेक्स्ट करना है और यहाँ पर एवर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, तो आप मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं सिंपल सा डिक्लाइन कर दूंगा और ये जो है सिंपल सा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है ये सभी कंप्यूटर में चलेगा, मीन्स विंडोज 7, विंडोज 8.1 और विंडोज 8 और सभी में भी, विंडोज 10 सभी में भी रन करेगा, सही तरीके से रन करता है। और यहाँ पर रैम, ज़्यादा रैम या फिर इस तरह कुछ इशू नहीं है, अब सिंपल सा मिनिमम रैम पर ये यहाँ पर चल जाएगा। तो सिंपल सा आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और सिंपल सा नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर देना है और इसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ओपन हो गया और इसका इंटरफेस जो है एक बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह लगता है आपको। तो यहाँ पर स्मार्टफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ करते हैं वैसा ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए यहाँ पर ओपन होने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ और भी आपको मिल जाएगा। तो मैं सिंपल सा प्ले स्टोर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जैसा कि नॉर्मल फ़ोन पे प्ले स्टोर होता है वैसा ही यहाँ पर प्ले स्टोर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे प्ले स्टोर में आप अपनी gmail ID से लॉगिन करते हो वैसा ही यहाँ पर भी लॉगिन करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नॉर्मल प्ले स्टोर होता है वैसा ही यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर प्ले स्टोर की जितनी भी एप्लीकेशन है आपको सब कुछ जो है यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सर्च बॉक्स में जिस एप्लीकेशन को चाहिए उसको आपको सर्च करना है और यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर इजीली जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसा ही आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद वो सिंपल से अपनी होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगी होता जाएगा, जैसे कि मोबाइल में होता है सिंपल सा, आप वैसा ही सब कुछ कर सकते हैं और इसका इंटरफेस बहुत ही ईजी है, आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो लोग प्ले स्टोर को अपने पीसी पे रन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल सा एक सॉफ्टवेयर साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरीके टेक्निकल वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।